ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। सुबह सुबह देखिए इतनी ठंड हो रही है। शहर में बच्चे या तो बिस्तर पे होते हैं, संडे है तो बिस्तर पे, और अदरवाइज बस ड्रेस पहनते रहते हैं, ड्रेस पहनने में इतने नखरे करते हैं। यहाँ अगर संडे होता है तो बच्चे देखो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्प। क्या कर रहे बाबू, भूसा ढो रहे हो? अच्छा, ये भूसा है? क्या बात है, ये लोग भूसा भर भर के ढो रहे हैं। बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा इन लोगों ने 5-6 बार दो दो बोरी लेकर गए हैं एक साथ। वो बिट्टी हैं, ये इनके छोटे बाबू हैं। ये लोग कितनी मदद करते हैं अपने घर की। और शहर के बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो तैयार भी हो जाए स्कूल के लिए तो ओ हो, इतना बड़ा काम हो गया है, समझ लो ड्रेस पहनने में ही हालत खराब हो जाती है। इनको तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। अब देखो बिटिया लेकर जा रही है फिर से, ये बात, अरे भूसा उठा लिया अकेले। ओहो, एक उठा लिया है और एक ले लिया है। अरे छोटू बाबू, चप्पल पहन लो, क्या बात है, अरे वाह, आराम से जाना, आराम से। दोनों लोग देखो कितने आराम से चले गए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं ये लोग। बता, छोटे छोटे हैं और सारा काम करा देते हैं मम्मी पापा का। मम्मी पापा घर का कुछ और काम कर रहे होंगे और ये लोग इधर काम कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है गोबर का ढेर, जो आप गांव में घूर कहते हैं इसको। यहाँ पर अपना सारा कूड़ा करकट फेंका जाता है, फिर धीरे धीरे यही खाद बन जाती है, इसे वो खेतों में डाल देते हैं जो कि उपजाऊ का काम करती हैं फसल के लिए। अरे तुम लोग फिर आ गए इतनी जल्दी जल्दी, अरे 2 मिनट हम इधर के आ गए, एक बार डाल के तुम लोग फिर से इधर आ गए। अरे भाई आराम आराम से ले जाओ, इस बार तो बिट्टी ने 3 बोरी पकड़ रखी है भाई। सारा का सारा काम ये लोग कर लेंगे अपने घर का। और यहाँ पे देखिए, ये है पैरा, वो भूसा था, ये पैरा है, पैरा की ये देखिए बने हुए हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले, इनको यहाँ पे खरही बोलते हैं। और इसमें इन्होंने सेट करके रखा है, अगर बारिश वगैरह हो तो बारिश ऊपर से जब बरसेगी तो सिर्फ यहाँ से इधर गिर जाएगी, मतलब नीचे की तरफ, बीच में नहीं जाएगी, तो बीच में पूरा का पूरा जो पैरा है वो सूखा रहेगा। इस सिस्टम से ये लोग यहाँ पर लगाते हैं बड़ी बड़ी खरही के रूप में। तो वो एक सामने दिख रही है आपको, वो वाली खरही है, ठीक है। और इधर वाला तो अभी बनाया नहीं इन लोगों ने, और एक ये बनी हुई है, तो फिर ठीक है अभी इसको बना रहे हैं। तो ये लोग इतने अच्छे सेट करके रखते हैं, फिर पूरी ठंडे में इसको क्या करेंगे, जला जला कर तापेंगे, फिर जानवरों को खिलाएंगे, अपने उपयोग के लिए उपयोग करते हैं। गांव के तो बात ही अलग है, मेहनत वाला काम होता है पर सिस्टम बड़े अच्छे हैं। और पहली बार तो नज़ारा इतना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मजा आया, हम कल आए थे।